दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब पहले से बहुत ही बढ़िया होंगे और आज की इस वीडियो में हम भारत के खूबसूरत और शानदार राज्यों में से एक असम की बात करने वाले हैं। असम हमारे भारत देश के उत्तर पूर्व में स्थित एक खूबसूरत राज्य है और यह राज्य चारों ओर से कई तरह की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 6 राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। दूर दूर तक फैली हरियाली, विभिन्न तरह के जीव और प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर असम में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों यहाँ की कुल आबादी की बात की जाए तो तकरीबन 3,12,00,000 के आसपास यहाँ की कुल आबादी है और असम में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषाएं असमिया, बंगाली और हिंदी हैं। और यहाँ की राजधानी दिसपुर है। मौर्य काल के समय में असम का पश्चिमी भाग मौर्य साम्राज्य का एक अहम हिस्सा हुआ करता था और यहाँ पर महाराज चंद्रगुप्त मौर्य का शासन भी हुआ करता था। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को असम की लाइफलाइन कहा जाता है। यह नदी असम के मध्य से होकर गुजरती है और दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा असम का अपना एक राज्य गीत भी है और इस गाने की रचना लक्ष्मीनाथ बेसपरवा जी ने की थी। संसार में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला प्रदेश असम है, जिसमें घास के बड़े बड़े मैदानों से लेकर बांस के जंगल और वर्षावन शामिल हैं। इस राज्य को इसकी खूबसूरत हरियाली, साल के पेड़ों के जंगल और जंगलों पर आधारित उत्पादों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है और असम में भारत के सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार भी हैं। दोस्तों असम के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। आमदनी के मामले में असम में कृषि का स्थान तीसरा है और इसी के साथ असम चाय उत्पादन के मामले में भारत में पहले नंबर पर आता है। यह राज्य भारत की 55% और पूरी दुनिया की 16% चाय का उत्पादन करता है। और दोस्तों असम की मुख्य फसलों में चावल, पटसन, चाय, गन्ना, आलू, कपास और तिलहन जैसी बहुत सारी प्रमुख फसलें हैं। दोस्तों असम का राजकीय वृक्ष हुलांग है और असम का राजकीय पुष्प द्रौपदी माला है। इसके साथ ही साथ असम का राजकीय पक्षी सफेद पंखों वाली काष्ठ बतख है। दोस्तों असम में लुभावने नजारों के अलावा यहाँ का जायकेदार खाना भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के खाने का स्वाद बहुत ही लजीज होता है। खासतौर से यहाँ का खार विशिष्ट व्यंजनों में पहले नंबर पर आता है और यह एक नॉन वेजिटेरियन डिश है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ यहाँ के मसूर टेंगा, डक मीट करी और आलू पिटिका बहुत ही ज्यादा फेमस डिशेस हैं। असम की बहुत सारी संस्कृतियों में से बिहू सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, बैसाख बिहू, कार्तिक बिहू और भोगाली बिहू। असम अपने वन्य जीव पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। असम में बेहतरीन वन्य जीवन के अलावा पर्यटन, मंदिरों और प्राचीन स्मारकों के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं असम के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क। इस पार्क को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है और यह नेशनल पार्क 170 वर्ग मील में फैला हुआ है। असम के गोलाघाट और नागांव जिले में बसा यह पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से हाथी, बाघ, लैंगून, विभिन्न तरह के बाज और तोते पाए जाते हैं। माजुली। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में एक हरे भरे पर्यावरण के अनुकूल प्रदूषण मुक्त ताजे पानी का द्वीप है। यह द्वीप दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर काफी ज्यादा आकर्षित करता है। डिब्रूगढ़। यह शहर असम का एक प्रमुख सौंदर्य स्थल है और जब बात भारत की चाय के बारे में हो रही हो तो डिब्रूगढ़ का नाम पहले नंबर पर आता है। इस शहर को चाय के शहर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप जब भी यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको शांति, संस्कृति और बहुत सी प्राचीन परंपराएं देखने को मिलेंगी। कामाख्या देवी मंदिर। गुवाहाटी के दर्शनीय स्थलों में कामाख्या देवी मंदिर का महत्व बहुत अधिक है। यह मंदिर असम की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और यह एक आकर्षक पर्यटन स्थल भी है। ब्रह्मपुत्र की प्राकृतिक सुंदरता और इसकी अनूठी संस्कृति असम के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से इसे एक बनाती है। तो दोस्तों यह था असम। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप में से कोई असम से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास भेजना बिल्कुल ना भूलें और इसके साथ ही साथ अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली ऐसी नई वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहें।